तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इलिमिनेशन चैम्बर 2020 के विनर रिवील्ड हो चुकी है और क्या एक बार फिर से रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं और क्या रेसलमेनिया 36 में हमें ट्रिपल एच रेसल करते नजर आएंगे या नहीं। तो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दूंगा इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो जो है ट्रिपल एच से। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि इससे पहले ट्रिपल एच से रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिला था सिंगल्स मैच, और इस मैच को तो आप जानते ही कौन जीता था। तो फ्रेंड्स मतलब आपको तो मालूम होगा कि इसके बाद से तो हमें WWE में एक भी अपीयरेंस उनका नहीं देखने को मिला, मतलब अपीयरेंस तो देखने को मिलता है फ्रेंड्स, मैच तो देखने को नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रिपल एच रेसलमेनिया 36 में रेसल करेंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी PW इंसाइडर की तरफ से ये न्यूज़ है कि WWE के बैकस्टेज कोई प्लान नहीं है ट्रिपल एच के लिए। तो फ्रेंड्स प्लान ही नहीं है तो मैच तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मे बी या ये बोलिए कि पॉसिबल है कि रेसलमेनिया 36 में हमें ट्रिपल एच का कोई ओपोनेंट दिखते नजर नहीं आ सकता है और ट्रिपल एच का हमें अपीयरेंस देखने को नहीं मिल सकता है रेसलमेनिया 36 में। तो फ्रेंड्स सेकंड और लास्ट अपडेट की बात करें तो वो जरूरी है इलिमिनेशन चैम्बर 2020 के विनर से। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम कि इससे पहले वाले रॉ में WWE ने एक इलिमिनेशन चैम्बर 2020 के लिए विमेंस इलिमिनेशन चैम्बर का एक मैच फिक्स किया था। तो फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा मैच, और इसके पार्टिसिपेंट को दिखाया गया था रूबी रायट, सारा लोगन, लीव मॉर्गन, साइना बिस्लर, नटालिया और आस्का को। फ्रेंड्स इस मैच की खासियत तो ये है कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच को। तो फ्रेंड्स इस मैच की मतलब रिजल्ट निकल के आ गई है, ये बोली कि लीक्ड हो चुकी है कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि साइना बिस्लर जीतेंगी और वो फेस करेंगे रेसलमेनिया 36 में बेकी लिंच को फॉर द रॉ विमेंस चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स एक और मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है फिलाडेल्फिया में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है फिलाडेल्फिया में इस साल का इलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे ये मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है विनर फेस फील्ड फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो मेरा मतलब है कि नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके पार्टिसिपेंट को दिखाया गया रॉबर्ट रूड, किंग कॉर्बिन, डेनियल ब्रायन, शिंसुके नाकामुरा, रोमन रेंज एंड ब्रॉन्स्ट में। तो फ्रेंड्स इसके भी विनर रिवील्ड हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया 36 के लिए गोल्डबर्ग का कोई प्लान नहीं है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंज इस मैच को जीतते हुए नजर आ सकते हैं और रेसलमेनिया 36 में हमें द फिंड ब्रे वायट वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन कीजिए कि मतलब सुपर शोडाउन के बाद अगर हमें फिर से इलिमिनेशन चैम्बर का बिल्डअप देखते हुए नजर आ सकता है तो कितना मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रो रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।